अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक है। दुआ करती हूँ सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमत और नज़र करम बनाए रखे। तो चलते हैं अपनी डिश की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं साबत मूंगी और चने की दाल। तो मैंने कहा आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर लूँ। इसको मैंने साफ़ करके अच्छी तरह धो लिया है, तो अब ये कुकर में डालेंगे। ये लहसुन अदरक और मिर्चों का पेस्ट है, ये अंदर शामिल कर देंगे। अब अपने स्पाइसी अंदर ऐड करेंगे। एक एंड हाफ टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च का अंदर ऐड करेंगे। हाफ चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे। एक एंड हाफ नमक ऐड करेंगे। पानी अंदर ऐड कर देंगे। इतना पानी डालेंगे अंदर कि दाल हमारी जल जाए। ये आवाज चलाएंगे, रख देंगे ऊपर। ढक्कन लगाएंगे। अब 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद देखते हैं। ये 10 मिनट हो गए हैं, आंच बंद करेंगे, लेड को हटाएंगे, ढक्कन हटाएंगे, खोलेंगे ढक्कन को। दाल हमारी गल गई है, अंदर पानी है, पानी को खुशक करेंगे। दाल तो हमारी गल गई हुई है। गाइस ये देखिए, हमने एक छोटे साइज का प्याज लिया है, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसका हम तड़का लगाएंगे दाल को। गाइस ये देखिए, प्याज हमने काट लिया है। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। जी गाइस ये देखे, प्याज हमारा ब्राउन हो गया तड़के के लिए। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जी तड़का हमारा तैयार है, अब अंदर डाल देंगे। ये देखे सालन हमारा तैयार हो गया। अब इसमें धनिया डाल देंगे। गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब डिश आउट करके आपको दिखाते हैं।
जी गाइस ये देखें, हमने सालन और चावल डिश आउट कर लिया, ये फाइनल लुक है। ये हमारी दाल तैयार हो गई है, साथ हमने इसके वाइट चावल बनाए हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।